हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। क्रिस्पी चिकन पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन और इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन और इसे बिल्कुल छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 3/4 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, विनेगर 2 टीस्पून और सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। 20 मिनट के बाद अब इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और इसमें ऑयल को गर्म करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 ग्लास और इसे ढककर हम पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चिकन है बहुत छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी गल जाएंगे। सात मिनट के बाद अभी भी इसमें मॉइस्चर है तो इसे हम मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे ड्राई कर लेंगे और बीच बीच में इसे हम मैश करते रहेंगे। जो भी बड़े पीसेस हैं उसे थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे और चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, बस इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे और उसके बीज आप निकाल देंगे और छोटे पीसेस में काट के ऐड कर लेंगे। ऑरिगैनो लेंगे 1 टीस्पून, टमाटो सॉस 2 टीस्पून, यहाँ पर आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्रोसेस चीज़। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ ऐड किया है 1/2 कप। आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर लिया मैंने ब्रेड क्रम्स, 2 अंडे और इसके साथ ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। यहाँ पे सभी चीज़ें रेडी हैं, स्टफिंग रेडी है, कोटिंग रेडी है और यहाँ पर हमने स्लरी बनाया है। मैदे का और पानी का घोल बना लेंगे, थोड़ा सा थिक रखेंगे जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ पे मैंने होममेड समोसा पत्ती यूज़ किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं और घर में ही समोसा पत्ती बना सकते हैं। इस तरह से पत्ती को रखने के बाद स्टफिंग रखेंगे सेंटर में और एक साइड से इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे और इस तरह से चारों साइड्स को हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से सील करने के बाद और इसके साइड्स में भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और जो भी साइड्स ओपन दिख रही हैं उसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब इसे हम डिप करेंगे अंडे के मिक्सचर में। अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से चारों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह सभी हम पैटीज को रेडी कर लेंगे और इसके बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे।
तेल यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और मीडियम फ्लेम पर है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 35 और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 साइड से अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी है और इसे आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। और अब हम इसे देखते हैं कि अंदर से ये कैसा दिख रहा है। ये ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के और बहुत ही टेस्टी स्नैक बनके रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।